ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस बस कुछ और ही दिनों का इंतजार बाकी है, उसके बाद रॉकी 25th एनिवर्सरी का स्पेशल एपिसोड जाएगा लाइव और आई एम श्योर आप लोग इस एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि काफी सारे बड़े लेजेंड्स हमें रॉकी 25th एनिवर्सरी पर दिखाई देंगे, जो कि शायद हमने सोचा भी नहीं था कि ये फिर से हमें WWE में दिखाई दें। अब रॉकी 25th एनिवर्सरी धमाके से भरी होगी, इसके पीछे दो बड़े रीजन है। पहला ये क्योंकि ये खुद है रॉकी 25th एनिवर्सरी, इसके अलावा ये जो हमें रॉ का एपिसोड देखने को मिलेगा ये आखिरी एपिसोड होगा रॉयल रंबल से पहले। तो हम जनरली देखें तो WWE किसी भी पेपरव्यू से पहले कोई भी एपिसोड होता है उसे धमाकेदार तरीके से ही अंत करती है, तो ऐसे में काफी सारे बड़े धमाके हमें रॉकी 25th एनिवर्सरी में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस एपिसोड में बात करने वाले हैं पांच ऐसी चीजों के बारे में जो रॉकी 25th एनिवर्सरी में अगर होती है तो फैंस को बहुत बड़ा झटका होगी, या फिर ये चीजें हमें रॉकी 25th एनिवर्सरी में देखने को मिल सकती है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। ब्रॉक लेसनर्स काउंटर अटैक। तो गाइस कुछ हफ्ते पहले के रॉक एपिसोड में हमने देखा था कि जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बैक स्टेज आकर केन एंड ब्रॉक लेसनर पर हमला किया था एक हुक की मदद से, और उन्होंने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर इन दोनों ही सुपरस्टार के ऊपर गिरा दिया था, जिसके बाद केन ने मेडिकल अटेंशन में जाने से मना कर दिया था। लेकिन हमने ब्रॉक लेसनर को देखा कि उन्हें एम्बुलेंस में भरकर कहीं मेडिकल अटेंशन के लिए ले जाया गया था, और उसके बाद से हमें बीस्ट WWE में दिखाई नहीं दिए। अब हम बात करें बीस्ट की, तो वो ऐसे सुपरस्टार हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते, और रॉक की 25th एनिवर्सरी की हम बात करें तो वहां पर ब्रॉक लेसनर का आना कन्फर्म है, क्योंकि WWE ने पहले से एडवर्टाइज कर रॉकी 25th एनिवर्सरी के लिए। तो ऐसे में बीस्ट अपना बदला जरूर लेंगे, और हो सकता है कि वो ऐसा बदला लें जो कि शायद हमने सोचा भी ना हो, क्योंकि हम बात करें ब्रॉन स्ट्रोमैन की तो वो इन दिनों काफी ऐसे कारनामे कर चुके हैं जिससे कि वो अपने आप को एक बड़ा सुपरस्टार भी प्रूव कर चुके हैं। अब ऐसे में ब्रॉक लेसनर जब ब्रॉन स्ट्रोमैन पर हमला करेंगे तो उन्हें कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे वाकई में इस मॉन्स्टर को अंदर तक हिला दे जाए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रॉक लेसनर रॉकी 25th एनिवर्सरी पर क्या कुछ करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। फ्यूड स्टार्ट्स बिटवीन टेकर एंड सीना। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अंडरटेकर एंड जॉन सीना हमें दोनों ही रॉकी 25th एनिवर्सरी पर दिखाई देंगे, तो ऐसे में इस बात का अनुमान पहले से लगाया जा रहे हैं कि अंडरटेकर अनाउंसमेंट करेंगे अपने रिटायरमेंट की, लेकिन उस दौरान वहां पर पहुंचेंगे जॉन सीना और वो चैलेंज करेंगे अंडरटेकर को। और अगर ऐसा ना हो तो ये भी हो सकता है कि हमें रॉयल रंबल में अंडरटेकर अपने आप को अनाउंस करते हुए दिखाई दें कि वो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और उसके बाद जैसे कि आप जानते होंगे कि जॉन सीना भी रॉयल रंबल के पार्टिसिपेंट है, तो हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी रोमन रेंज की जगह ले लें जॉन सीना और जॉन सीना एलिमिनेट करें अंडरटेकर को, जिसके बाद इन दोनों सुपरस्टार के बीच रेसलमेनिया 34 के बीच मैच स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई दे, या फिर ये भी हो सकता है कि अंडरटेकर एलिमिनेट करें जॉन सीना को और उसके बाद रेसलमेनिया 34 में इन दोनों सुपरस्टार के बीच कोई मैच हो। अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है तो रेसलमेनिया 34 इस बार सुपरहिट बनने वाला है। न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑन रॉ 25। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि रॉ की 25th एनिवर्सरी पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए द मिज एंड रोमन रेंस के बीच मैच ऑलरेडी बुक हो चुका है। अब ऐसे में हम टाइम में थोड़ा सा पीछे चलें तो रोमन रेंस के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने का अब एक पीछे बड़ा रीजन ये भी था कि द मिज को WWE से थोड़ा सा ब्रेक लेना था उनकी मूवी के चलते, और अब फाइनली वो WWE में अपनी वापसी कर चुके हैं। और ऐसे में हम थोड़ा दूर की सोचें तो WrestleMania 34 के लिए जो एक प्लान है वो है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो अगर रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप की दौड़ में आना है तो उन्हें अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप छोड़नी होगी, तो ऐसे में हो सकता है कि रॉकी 25th एनिवर्सरी पर हमें अपनी चैंपियनशिप छोड़ते हुए दिखाई दें, या फिर यह भी हो सकता है कि रोमन रेंस के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप छोड़ने का कारण यह भी हो सकता है कि वो रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद वो रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया 34 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करें। क्रिस जेरिको इन रॉयल रंबल मैच। तो कुछ टाइम पहले WWE ने कंफर्म किया कि क्रिस जेरिको रॉकी 25th एनिवर्सरी पर आने वाले हैं, जो कि बात फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग रही। क्रिस जेरिको की बात करें तो फिलहाल वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, स्पेशली उनका NJPW में जो केनी ओमेगा के साथ मैच है वो काफी अच्छा रहा। और हम WWE की बात करें तो WWE में जेरिको को उतना अच्छा यूज नहीं किया जाता जितना अच्छा मैच उन्होंने NJPW में दिया, और फिलहाल WWE इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ रही होगी कि अगर क्रिस जेरिको रॉयल रंबल में आते हैं तो ऑब्वियसली बात है टिकट सेलिंग भी अच्छी करवा सकते हैं। तो हो सकता है कि क्रिस जेरिको रॉकी 25th एनिवर्सरी पर अनाउंस करें कि मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं रॉयल रंबल 2018 के मैच में। बिग नेम्स टू बुक फॉर रॉयल रंबल। अब मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर सुपरस्टार या फ्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं उन सभी बड़े नामों के बारे में जो हमें रॉकी 25th एनिवर्सरी पर दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करें वुमेन्स की, तो वहां पर हमें रॉयल रंबल का एक मैच देखने को मिलेगा जो कि पहली बार होने वाला है, और ऐसे में वहां पर काफी सारे स्पॉट खाली हैं। रॉकी 25th एनिवर्सरी की बात करें तो वहां पर काफी सारी WWE की पुरानी डिवाज आने वाली हैं, तो इसमें हो सकता है इसे भी डिवाज अपने आप को कंफर्म करें कि हम भी आ रहे हैं वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच में। बात करें मेंस की तो वहां पर भी काफी सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जो कि अपने आपको अनाउंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं रॉयल रंबल मैच के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लेजेंड्स आपस में भिड़ जाएं और उनका कोई मैच बुक हो रॉयल रंबल के लिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि WWE चाहेगी रॉकी 25th एनिवर्सरी को मेमोरेबल बनाना, और मेमोरेबल मेरे हिसाब से तभी होगी जब आप पुराने लेजेंड्स हमें भिड़ते हुए दिखाई देंगे रॉकी 25th एनिवर्सरी पर या फिर फ्यूड स्टार्ट करते हुए। और अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है तो आई एम श्योर ये ऐसा एपिसोड होगा रॉ का जो हमें काफी सालों तक याद रहेगा। तो गाइस यदि पांच ऐसी चीजें जो अगर रॉकी 25th एनिवर्सरी पर हमें देखने को मिलती है तो रॉकी 25th एनिवर्सरी के साथ साथ रॉयल रंबल पेपर भी एकदम हिट होगा। तो गाइस अब आप कमेंट करके जरूर बताने कि आपको क्या लगता है हमें और क्या क्या बड़े धमाके रॉकी 25th एनिवर्सरी पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर
पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।